स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम इमरान अहमद फारूखी है, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले मैं अपना डिस्क्लेमर, वही जो बोल रहा था, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। माई डिस्क्लेमर इज दिस ट्यूटोरियल इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड आई हैव मेड दिस वीडियो इन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज आई कॉन्ट मेड सेपरेट वीडियोज फॉर सेपरेट सेम स्ट्रेटेजी, सो आई हैव मेड सिंगल वीडियो फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए दोस्तों, मेरा डिस्क्लेमर है, ये ट्यूटोरियल जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है और ये वीडियो मैं दोनों भाषाओं में बनाया है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि मैं अलग अलग भाषाओं में बना नहीं सकता, इसीलिए एक ही भाषा में जो इंग्लिश जानते हैं हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बनाया है दोनों भाषा मिला के। ठीक है। सो अनदर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड मेंबर और टिप्स प्रोवाइडर आर आई बिलोंग्स टू एनी टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म। आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। देखें दोस्तों, मैं ना सेबी रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, ना मैं टिप्स प्रोवाइडिंग फर्म से बिलोंग करता हूँ, ना टिप्स प्रोवाइडर हूँ। मैं जो अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन। यस्टरडे व्हाट वी हैव डन इज आई हैव अपलोडेड ए वीडियो कॉल्ड स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ क्रूड एंड नेचुरल गैस। लेट अस सी द रिजल्ट व्हाट हैपेंड यस्टरडे and how many of you have been made a point and one mistake has been noted by some see here there are so many Vinit Bome has written that you should be below 30 chahiye. That means I have made a mistake here that sell June crude should be below. I have written above 30 points and above 30 points here. That means buy June crude mega above 30 points and sell June crude below 30 points. So make this little correction, it should be below 30 points. That means if the crude is running at 298, it was running 2995, it should be minus 30. That is, I will calculate that, 2995 minus 30 points. So my first order will be 2965. If it is plus 30 means 2995 plus 30. I hope understand. 3025 is my buy order. Same thing for July also. July little bit difference in June and July. 30 points above 30 points and sell below 30 points. I hope you have understand now. So little bit correction here and there, and I have done in this one word format also. You can write it down here. See my special inventory strategy for crude on Wednesday and natural gas on Thursday. I will showing the results here. I will show one by one. So buy order, my what would be my buy order? Whatever the running price is going on, like 2995 plus 30 or 40 points. See friends, should not be like Imran said 30 points. No, you can go for 40 points also, and target should be 50 or 60 points. You can alter with the trend. It is not compulsory that you should have 40 points only, 30 points only. So here I have changed below 30 points. Sell order should be below 30 points and buy order should be above 30 points. I hope you understand. For July also like that only, buy order above 30 points and sell order is below 30 points. सो दोस्तों, मैं ये रिजल्ट आपके लिए पेश कर रहा हूँ। कल मैं थोड़ा ये गलती किया था कि भाई जून क्रूड ऑयल अबोव, मैं क्या लिखा था, जून का क्रूड जो मेगा है आप उसको बाय ऑर्डर लगाना है 30 पॉइंट्स ऊपर, और मैं सेल का जो लगाया था वो भी वहां पे लिख दिया था बाय ऑर्डर ऊपर लगाए 30 पॉइंट्स, नहीं है नीचे आपको 30 पॉइंट्स लगाना है। मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। कल क्रूड चल रहा था 2995 पे, आपको क्या करना है, बाय ऑर्डर लगाना है तो प्लस 30 पॉइंट का बाय ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगाना है, यानी 3025 का। अगर सेल ऑर्डर लगाना है तो इन्वेंट्री के दिन 2995 माइनस 30, तो आपका ऑर्डर पड़ जाएगा 2965, यानी दो भी पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, 3025 बाय ऑर्डर एंड 2965 सेल ऑर्डर, दोनों में से एक जो भी एग्जीक्यूट होगा तो एक को कैंसिल कर दीजिए। सो तो मेरा टारगेट था 40 पॉइंट्स का। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको इमरान ने बोल दिया 30 पॉइंट्स का अबव लगाना है और 40 पॉइंट्स का ही टारगेट लगाना है, नहीं, आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड के मुताबिक आप, मैंने स्ट्रेटेजी तो आपको बता दिया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मैंने खड़ा कर दिया है,
अब ट्रेंड कैसा है, क्या करना है, लॉट्स कितना है, कितना लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट्स कितने सेट करने हैं, इसीलिए बोलते हैं डिसीशन मेकिंग। डिसीशन मेकिंग जो है आपको वो टाइम पे क्या डिसीशन लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है। 30 पॉइंट्स का अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो 40 पॉइंट्स का लगाइए। टारगेट आपको 40 ही लगाना है क्या, नहीं है 50 लगाइए, 60 लगाइए। कल देखिए क्रूड एक्चुअली 115 पॉइंट्स ऊपर नीचे हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टिक हो जाइए यही प्लान पे, आप अपना प्लान चेंज कीजिए। लगाइए आप लिमिट ऑर्डर अबव 40 पॉइंट्स लगाइए, बाय ऑर्डर, और सेल ऑर्डर बिलो 40 पॉइंट्स लगा दीजिए जून और जुलाई का, और टारगेट ऑर्डर 60 पॉइंट्स का लगाइए, 4:6 लगा दीजिए। ऐसा भी हो सकता है। सी फ्रेंड्स, यू शुड नॉट स्टिक टू द 30 पॉइंट्स ऑर्डर। इमरान सेड 30 पॉइंट्स लिमिट ऑर्डर एंड 40 पॉइंट्स टारगेट ऑर्डर। नो, अकॉर्डिंग टू अ ट्रेंड यू मेक अ डिसीजन। डिसीजन मेकिंग शुड बी देयर बिकॉज इन्वेंट्री इज कंप्लीटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू योर प्लान, अकॉर्डिंग टू योर। आई कांट से यू शुड टेक 100 लॉट्स ओनली और यू शुड टेक 1 लॉट ओनली। नो, आई एम टेलिंग द बेसिक स्ट्रैटेजी हियर। यू डू अकॉर्डिंग टू योर प्लान बट फॉलो माई स्ट्रैटेजी। लाइक इफ यू आर पुटिंग अबव 30 पॉइंट्स बाय ऑर्डर एंड बिलो 30 पॉइंट्स सेल ऑर्डर, यू कैन पुट 40 पॉइंट्स अबव बाय ऑर्डर एंड 40 पॉइंट्स बिलो सेल ऑर्डर। एंड टारगेट ऑर्डर शुड नॉट बी 40 ओनली, यू कैन गो फॉर 50, 60। येस्टरडे द क्रूड मूव्ड एटलीस्ट 115 पॉइंट्स इन्वेंट्री, यू कैन पुट 50 पॉइंट्स, यू वुड हैव अर्न 10,000 रुपीज। एंड द रिजल्ट वॉज हाउ मच आई विल शो यू इन द दिस वन व्हाट यू से इन द चार्ट। सो बिफोर दैट देखिए दोस्तों, मैं कल एक मिस्टेक किया था, मैं वो आज करेक्ट कर रहा हूँ, और 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा। आपका पेपर पेन जो भी करेक्शन है कर लीजिए। आपको बाय ऑर्डर लगाना है अबव 30 पॉइंट्स का, और सेल ऑर्डर लगाना है बिलो 30 पॉइंट्स का। 30 पॉइंट्स का नहीं, आप जितना चाहे लगा सकते हैं उस दिन का, लेकिन 30 पॉइंट्स क्यों है बोले तो सडनली फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में क्रूड जो है 10-20 पॉइंट्स नीचे गिरता है या ऊपर गिरता है। तो सेफर सेट के लिए मैंने 30 लगाया है। अब भी आपको सेफर सेट चाहिए तो 40 लगाइए, तो आप जैसा लगा सकते हैं लगाइए। और टारगेट ऑर्डर आपको 40 लगाना है, 50 लगाना है, 60 लगाना है, वो आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिए। ऐसा ही सिमिलरली आपको जुलाई में भी करना है, बिलो 30 पॉइंट्स का या 40 पॉइंट्स का सेल ऑर्डर लगाना है, और अबो 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स का बाय ऑर्डर लगाना है। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया है। तो बाकी का सब सेम है। तो कल क्या हुआ, जिसने भी मेरा ये जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया है उन्होंने क्या बोला है और क्या किया है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये मैं लाइव चार्ट में आपको बताऊंगा ये क्या हुआ कल, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो कमेंट्स आ गए हैं। हाँ देखिए, मैंने चार्ट को पॉप आउट कर लिया था। कल क्रूड चल रहा था ऑलमोस्ट 2995 पे, देखिए कल 2995, यहां पे भी 2960 ही रख लीजिए, 2960 चल रहा था। मैंने क्या कहा था, 8 बजे या 8:05 को आपको एंटर होना है, करेक्ट ना। तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं फिर से। चलिए देखिए, 8 बजे है, 2950 यहां पे देखिए, एग्जैक्टली आपको 8 बजे 2955। अभी अगर हम 295 सॉरी यहां पे है ना 2955, अगर 2955 का भी अगर हम यहां से दो ऑर्डर डालते हैं, यानी बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, यानी सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर, अगर इसको 30 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए 2955 प्लस 30, हमारा एक ऑर्डर पड़ गया 2985 का बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर और 2955 माइनस 30, 2925 सेल ऑर्डर पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, टारगेट हमारा था कितना, 2985 प्लस 40 पॉइंट्स एंड 2925 प्लस 40 पॉइंट्स, 2925 यहाँ पे माइनस करना है ना, माइनस 40 पॉइंट्स, यहाँ पे फिर से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 40 पॉइंट्स माइनस 2885 मेरा टारगेट था सेल का, तो बाय का टारगेट था 2985 प्लस 40, 3025। तो कल कितना हमारा 2885 टारगेट आया, देखिए दोस्तों कब का आ गया, और 2875,
ऑलमोस्ट ऊपर 20-30 पॉइंट्स और ऊपर गए, यानी 60 पॉइंट्स आप आराम से लगा सकते थे, 50 पॉइंट्स तो बिल्कुल आ जाता। सी फ्रेंड्स, येस्टरडे व्हाट हैपेंड इज आई टोल्ड यू टू पुट एन ऑर्डर एट 8 o'clock, टू ऑर्डर्स इन जुलाई एंड एज वेल एज इन जून, बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। आई टोल्ड यू इफ द क्रूड वॉज रनिंग एट 8 o'clock 2955, लेट अस टेक फ्रॉम हियर 2955, what I told you have to put two orders, one buy order above 30 points and one sell order below 30 points. So what happens is, if we put buy order above 30 points, what happens? See, I will calculate that one more time. 2955 plus 30, this is my buy order 2985, and what would be my sell order? 2995 minus 30 points, so 2965 is my sell order. Sorry, 2985 minus 30 points. Or something, 2955, right? 2955 minus 30 points. 2925 my sell order. What I have to do is, from here, if my sell order is executed, what I have to do, my target order, it should be minus 40, because we are selling out, right? We are not buying out. Selling out means my target order should be still minus 40 points. If we take it like that way, it should be 2885 is my target order, first target order, if I had taken the 40 points. See, target may achieved, it has achieved, and then it has gone below 10 points, and you can make almost 50 points both the side. Not only this, in July also, see here, July also same thing. July also same movement, same thing, one order executed. Another good question is, one fellow asked me, if the market is in sideways, what we have to do? That is a very good question. दोस्तों, मैं ये हिंदी में बताना चाहता हूँ कि एक सज्जन ने पूछा था कि अगर सर, अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो हम क्या करेंगे? एक तो सर आपका बैड लक होगा वो दिन जी, या गुड लक भी हो सकता है। See friends, one fellow has asked me that if the market is on sideways in inventory, usually it will not happen, but if it happens like that, what happens? It may be your bad day or it may be your good day. I will tell you both. How? See, you have put 30 order, buy order above 30 and below 30 sell order. What happens? One order will executed, correct? What you have to do is, wait for half an hour. If your buy order is also executed, you try to come out in the positive way. It may be 5 points, 10 points, whatever it may be. Come by 2, if you calculate also, if you can make it 10 points also, like buy order 5 points and sell order 5 points, 10 points. There also, July buy order 5 points and sell order 5 points. 20 points almost you can make it, and you can come out and don't trade in that market. So please, in sideways market, you have to wait for half an hour. If it is a sideways market, like 8 o'clock is an inventory, wait for 8:30. You see the market is in one trend or in a sideways market. If both the orders gets executed, what you have to do? You have to come out with the little points only, like 5 points, 10 points. Don't wait for 40 points, 60 points. No, it will not come, because it's a sideways market. In sideways markets, what happens is, crude will move 20 points above, 20 points below. Within half an hour, not only half an hour, Half an hour, it will go 20 points, 20 points below. It will come like that. So don't close both the orders. Close the orders when you achieve 5 points. 5 points in buy order, 5 points in sell order, and 5 points in July buy order, and 5 points in sell order. So almost 20 points you can make it, and you can make 2000 rupees on that day. Think that it is your bad day. Inventory is not that much good. Dekhiye dosto, मैं क्या बोल रहा था इंग्लिश में, अगर उस दिन साइडवे मार्केट है तो आप क्या कीजिए, दोनों ऑर्डर तो ओपन रखेंगे, यानी टोटल 4 ऑर्डर भी ओपन रहेंगे, तो क्या कीजिए आप, हाफ एन आवर वेट कीजिए, दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, आपको पता चल जाएगा ट्रेंड एक साइड है। 8:30 तक अगर इन्वेंट्री 8:30 है, 8 o'clock है, आपको हाफ एन आवर में आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ है, या बाई है या सेल है। आपको क्या करना है, 8:30 पे अगर बाई भी एग्जीक्यूट हो गया, सेल भी एग्जीक्यूट हो गया, आपको कम से कम पॉइंट्स में बाहर आना है, बिकॉज आपके चारों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, आपको लास्ट में निकलना नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, एवरी हाफ एन आवर क्रूड क्या करता है साइडवे मार्केट में, इधर 10 पॉइंट्स ऊपर जाता है और 10 पॉइंट्स नीचे आता है। आपको क्या करना है, जितना हो सके आप 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बाहर आ जाइए। अगर 5 पॉइंट्स से भी अगर बाहर आ गए, तो देखिए जून में दो, यानी 5 पॉइंट्स बाय ऑर्डर में आप बाहर निकल गए, सेल ऑर्डर में भी आप 5 पॉइंट्स बाहर निकल गए, यानी यहां पे 10 पॉइंट्स, और जुलाई में भी आप वहां से 5 पॉइंट्स और यहां से सेल ऑर्डर में भी 5 पॉइंट्स, यानी टोटल 10 पॉइंट्स।
टोटली आपका प्रॉफिट होगा उस दिन 20 पॉइंट्स, यानी 2000 रुपीज आपने कमा लिया है। अब समझिए कि मेरा यही है आज, और मार्केट क्लोज करके बैठ जाइए, गो फॉर एनजी, आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट डे नेचुरल गैस के लिए। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आई हैव क्लियर माई डाउट्स, एंड प्लीज हु हैज नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज कमेंट वॉट हैज बीन रॉन्ग एंड वॉट हैज बीन राइट एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर स्ट्रैटेजीज। इफ यू पीपल हैव एनी स्ट्रैटेजीज, प्लीज शेयर विथ मी सो दैट आई कैन मेक ए वीडियो, आई कैन मेक इट दैट लिटिल बिट हियर एंड देयर योर कन्फ्यूजिंग स्ट्रैटेजी टू अ बेटर वे, बिकॉज आई टोल्ड यू नो आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस मार्केट फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, सो इफ एनी मिस्टेक इज देर इन योर स्ट्रैटेजी आई कैन मेक इट करेक्ट, सो प्लीज पुट योर स्ट्रैटेजी, इफ यू हैव एनी गुड स्ट्रैटेजीज एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिजल्ट, यू ब्रिंग दैट strategy to me and I will make some of the corrections little here and there and I will bring out very good strategy in that only। दोस्तों अगर जब तक अब तक आपने कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और यह वीडियो को देखना मत भूलिए, बिकॉज ये रिजल्ट है जो वेडनेसडे का हुआ था वही रिजल्ट है, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, और जो भी आपके पास स्ट्रैटेजी है यानी जो भी डेवलप किए हैं स्ट्रैटेजी और आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, लगता है आपको ये अच्छी है स्ट्रैटेजी लेकिन काम नहीं कर रही है, वो स्ट्रैटेजी मेरे सामने रखिए, अगर कुछ करेक्शंस हैं तो मैं वो थोड़ा इधर उधर का करेक्शन कर देता हूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी बेहतर स्ट्रैटेजी बना के दूंगा, बिकॉज मैं आपको बोला था पहले भी मैं इस मार्केट में बहुत सालों से हूं, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए और मैं उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा इधर उधर चेंजेस करके आपके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। तो सो फ्रेंड्स, दिस इज इमरान फरखी saying bye to everyone and happy enjoy trading MCX, NSE, BSE and any form of trading. I will bring more and more innovative videos for you people and please support me by giving comments, subscribing my channel, like my channel and do as much as possible to help other traders in a motivational way. Bye friends for English people. हिंदी भाइयों के लिए दोस्तों मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस लाता रहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, आपकी स्ट्रैटेजी मेरे सामने लाइए, मैं उसका बेहतर से बेहतर आंसर करूंगा, और इस वीडियो को देखना मत भूलिए, बिकॉज ये रिजल्ट का वीडियो है जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, और आपको ये वीडियो मिस मत कीजिए, थोड़ा करेक्शन इधर उधर का भी कर दिया है तो अभी बेहतर है स्ट्रैटेजी, आप एक बार देख लें।